हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल ज्ञान सीखते रहो यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग मोबाइल से फनी कलर लाइंस लाइव वॉलपेपर कैसे हटाएं। फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं मेरे इस मोबाइल में फनी कलर लाइंस लाइव वॉलपेपर सेट किया हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि सैमसंग मोबाइल से फनी कलर लाइंस वॉलपेपर कैसे हटाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने सैमसंग मोबाइल का सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए, जैसे मैं सेटिंग्स को ओपन कर लिया। और उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे की ओर आइए और उसके बाद आप यहाँ वॉलपेपर के ऑप्शन पर क्लिक करिए और उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो उसके बाद आप चाहे तो यहाँ माई वॉलपेपर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने कोई भी डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने गैलरी से कोई भी वॉलपेपर को लगा सकते हैं, तो वो वाला वॉलपेपर लाइव वाला हट जाएगा। तो मैं डिफ़ॉल्ट वाला वॉलपेपर लगा लेता हूँ, जो पहले से सेट रहता है मोबाइल में सिस्टम वॉलपेपर, वो वाला लगा लेता हूँ। तो उसको लगाने के लिए मैं यहाँ माई वॉलपेपर पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर ये पहले वाला वॉलपेपर है तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ। सेट करने के लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आ चुका है कि होम स्क्रीन पर करना चाहे या लॉक स्क्रीन पर या लॉक एंड होम स्क्रीन दोनों पर। तो मैं इसको लॉक एंड होम स्क्रीन दोनों पर सेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लॉक एंड होम स्क्रीन पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद लोडिंग होगा। और उसके बाद नीचे में आपको यहाँ सेट ऑन लॉक एंड होम स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ नीचे में सेट ऑन लॉक एंड होम स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक करिए और उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर आपके मोबाइल में सेट हो जाएगा और वो वाला लाइव वॉलपेपर हट जाएगा। जैसे अब मैं कट करके होम स्क्रीन पर आता हूँ तो देख सकते हैं अब मेरे इस मोबाइल पर से फनी कलर लाइंस लाइव वॉलपेपर हट चुका है और ये पहले वाला डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर सेट हो चुका है।